हेलो फ्रेंड्स, मैं हाँ डाइटिशियन पल्लवी जैसल। बहुत बार क्लिनिक ते मैं ऐसे पेशेंट्स देखती हाँ जिन्हां नूं वाटर रिटेंशन दी प्रॉब्लम हुंदी है। हुण वाटर रिटेंशन की हुंदी है? जदों तुहाडी बॉडी दे विच फ्लूइड्स इकट्ठे हो जाते हैं उहदी वजह नाल तुहाडे गिट्टे सुज जाते हैं, तुहाडे हथ फुल जाते हैं, तुहाडे फेस ते पफिनस आ जाती है। अज दे हैल्थ टिप दे विच आपां गल करन वाले हाँ कि पफिनस यानी कि स्वेलिंग नूं, एडीमा नूं तुसीं किवें घट कर सकते हो। सब तो पहला समझन की लोड़ है कि अडीमा या जो पफिनेस आ जाती है, मुँह सुच जाता है, वो की कारण हो सकते हैं। सो आम तौर पर जो तुम बहुत देर तक खड़े रहते हो तो पैर सुज जाते हैं, तो गिट्टे, तो एंकल सुज जाते हैं। लेकिन कई बार तुम एयर ट्रैवल करते हो तो भी तुम्हें ये प्रॉब्लम्स आदि हैं। कई बार जो थोड़े साइकिल स्ट्यू होंगे यानी कि प्री मेनोपोजल सिमटम्स होंगे वो वजह के नाल भी वॉटर रिटेंशन बॉडी के हो जाती है। तो मुँह पफी लगता है, अखा के नीचे पफिनेस आ जाती है, पलकां तुहाडियां पफी हो जांदियां हैं। इह तां कॉमन कारण हुंदे हैं जिहड़े कि पफिनेस हुंदे, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कारण भी हुंदे हैं। जे किसी का हार्ट वीक हुंदा है, पंप नहीं कर पा रहा, जे किसी नूं कीमोथैरेपी लगी है, जे तुसीं बिना सोचे समझे ओवर द काउंटर जाके पेन किलर्स लैंदे हो तां वी तुहानूं वाटर रिटेंशन हो सकती है। आपां जिहड़ी वाटर रिटेंशन की गल करांगे उह आपां सिंपल जिहड़े हैं कि तुहाडे लाइफ स्टाइल की वजह के नाल तुहानूं वाटर रिटेंशन हुंदी है उहदे बारे गल करांगे। सब तो पहला आपां नमक कट करना है अपनी डाइट दे विच। सोडियम जिहड़ा कि नमक का मेन कॉम्पोनेंट है, वह तुहाडी बॉडी विच वाटर रिटेंशन करता है, फ्लूइड तुहाडी बॉडी विच जमा होना शुरू हो जाता है। हुण तुसीं सोचोगे कि तुसीं उपरों किसी भी खाने दे विच या जो भी तुसीं कुकिंग करदे हो तुसीं नमक कट करदे होगे, वह तुसीं डेफिनेटली करो। लेकिन कुछ हीटड सोर्सेस होंदे हैं जिहदे बारे तुसीं जानते भी नहीं हो, वह भी तुहाडी बॉडी दे विच ज़्यादा सोडियम लैके जाते हैं जिहदे नाल तुहानूं सोजिश हो सकती है। तुसीं चाइनीज़ फूड खाते हो उहदे विच अजीनोमोटा हुंदा है जिहड़ा कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट हुंदा है जिहड़ा कि तुहानूं पफिनेस कर सकता है। जिहड़े हमें पैकेज फूड्स हुंदे हैं, प्रिजर्वड फूड हुंदे हैं, उहनूं प्रिजर्व करन दे वास्ते जिहड़े भी सॉल्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं उहदे विच सोडियम का एक मेन रोल हुंदा है। सो वह जो तुसीं खाने लैंदे हो तां उहदे नाल भी तुहानूं वाटर रिटेंशन हो सकती है। तुसीं अपने टेबल तो सॉल्ट शेकरस नूं प्लीज़ हटा दिओ, किसी भी चीज़ के उपरों नमक पा के जे तुसीं खाते हो तो डेफिनेटली तुहानूं वाटर रिटेंशन होंदी है। पिकल्स है हैं, पापड़स है हैं, ये सारिया चीज़ा तो वाटर रिटेंशन कर दिया है। इस तो अलावा जे आप देखा जाए जो थोड़ी बॉडी विच मैग्नीशियम की कमी है, वाइटमिन बी सिक्स की कमी है, तो भी तुहानू वाटर रिटेंशन होंदी है। तुसी अपना ब्लड चेक करा सकते हो। जे तुहानू लगता है कि तुसी अपनी डाइट के नट्स शामिल कर सकते हो, सीड्स शामिल कर सकते हो, सो दे आर गिविंग यू गुड अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम जिहड़ा कि तुहानू वाटर रिटेंशन के हेल्प कर सकता है। पोटैशियम जिहड़ा कि तुहानू अबंडेंटली मिल सकता है बनैना तो, वह भी तुहानू वाटर रिटेंशन घट करन दे विच तुहाडी मदद कर सकता है। इस तो अलावा मैं अपने पेशेंट्स नू अक्सर बारले वाटर यानी कि जौ दा पानी दिंदी हाँ जिहदे नाल जे प्री मैंस्ट्रुअल सिंड्रोम की वजह नाल बॉडी विच रिटेंशन है, जे तुहानू कुछ ज़्यादा ओवर ईटिंग की वजह नाल जे तुहानू वाटर रिटेंशन हो गई है जिहदे विच सॉल्ट ज़्यादा शामिल रहिंदा है, तो बारले वाटर यानी कि जौ दा पानी काफ़ी हैल्पफुल रहिंदा है। इस तो अलावा सौंफ दा पानी, अजवाइन दा पानी, इस सारियां चीज़ां वाटर रिटेंशन नूं घट करन दे विच मदद दिंदियां है। इस तो अलावा सही मात्रा दे विच पानी पीना बहुत जरूरी है। लेकिन बॉटम लाइन में यही तुहानूं फ्रेंड्स कहना चाहवांगी कि हर कंडीशन जिहड़ी है वह अलग है। अपने डॉक्टर या डाइटिशियन तो पुछे बगैर तुसी कोई भी स्टैप ना लो, और जे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा फेस पफी हो रहा और इन्हां सारियां चीज़ों के बावजूद तुहानूं इस तो राहत नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। दिस इज डाइटिशियन पल्लवी जैसल नाउ सेइंग बाय, एंड टिल वी मीट अगेन, स्टे ब्लेस्ड एंड लिव लाइफ मोर।